स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पबजी न्यू स्टेट के नए मैप के बारे में, अकीमता के बारे में, और अपना उसका इंडियन जो नेम है वो हमने रखा है भाई अंकिता। तो भाई इस मैप के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ आपको आज इस मैप के रिगार्डिंगली। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और जो न्यू स्टेट का जो लैब वाला जो टेस्ट है उसको आप एक तरह से अर्ली एक्सेस वगैरह भी बोल सकते हो, जो इनका लैब वाला जो ट्रीटमेंट वगैरह का जो इन्होंने पोस्ट किया था उसके रिगार्डिंगली मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अकीमता मैप को जो है अर्ली एक्सेस पे खेल सकते हो, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि 1,00,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है भाई, पूरा करना है कुछ ही महीनों के अंदर। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थोड़ी सी हेल्प तो कर ही देना यार। तो अब बात कर लेते हैं इस मैप के बारे में। तो इसके पहले जो फोटोग्राफ्स आए थे न्यू स्टेट ने डाले थे अकीमता के बारे में, वो डाले थे दिसंबर के आसपास, उसके कुछ फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। और जिस तरह का मैप है, जिस तरह की बिल्डिंग्स वगैरह हैं, बहुत काफ़ी कुछ है इस मैप के अंदर देखने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ज़बरदस्त लुक है जो पहली 3 फोटो आई थी। और अब जो इन्होंने एक ट्रेलर डाला है इस मैप के रिगार्डिंगली, जो कि वैसे तो जुलाई में आने वाला था, लेकिन अब उम्मीद है कि अगस्त के आसपास हमें देखने को मिलेगा इस मैप के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फोटोग्राफ जो पुराने थे कितना अच्छा लुक है, लेकिन अब जो है ये जो नया इन्होंने डाला हुआ है, नई जो इन्होंने वीडियो डाली थी अभी कुछ दिन पहले 48 सेकंड की, तो वो आप देख सकते हो। उसमें इन्होंने कुछ लोकेशन वगैरह इसके अंदर जो है रिवील करी है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ना तो ये मैप ना आपको इसके अंदर आपको कैरेकिन भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको शेनोक भी मिल जाएगा, क्योंकि जो सबसे पहली फ़ोटो है उसको देख के तो लोगों ने बोला अरे ये तो शेनोक है। तो भाई ये वाला जो मैप है ना अकीमता, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ट्रॉय मैप बहुत ज़्यादा बड़ा मैप है, और उसके अंदर जो लोकेशन वगैरह है वो भी थोड़ी थोड़ी मतलब दूर है, मतलब आसपास नहीं है, लेकिन इस मैप के अंदर जो है ये थोड़ा छोटा मैप होने वाला है, मे बी शायद 4x4 या फिर 3x3, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट नेम था वो अफ्रीका था उस टाइम, काफ़ी टाइम पहले जिसकी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी उस मैप के अंदर, जो इसका जो साइज़ था वो था भाई 4x4। अब वाला जो ये मैप आने वाला है मे बी इसका शायद भाई 3x3 का होने वाला है, 3x3 मीन्स मतलब 3x3 किलोमीटर का होने वाला है। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी जो है लोकेशन देखने को मिलेगी। वेदर की बात करूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हो यार कितना मस्त जो है डायनामिक वेदर है, धूप भी है इसमें, बर्फ़ भी पड़ेगी इसमें, भाई सब कुछ है। और ये लोकेशन आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह की लोकेशन है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लगा मैप, और जैसे ही आता है मैं इसको ज़रूर खेलूँगा, और मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि अगर मेरे को इसका इसको आप एक तरह से ये जो इन्होंने ये लैब वाला जो अनाउंसमेंट किया ना, इसको एक तरह से आप अर्ली एक्सेस बोल सकते हो। अगर बात करें इसके APK की और बीटा वर्जन की, तो उसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं कि वो देंगे। अभी अर्ली एक्सेस किस तरह से मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। अभी क्या है कि 28 जुलाई को, अभी जो 28 जुलाई गई है, 28 जुलाई को मैप में मतलब अपडेट, गेम के अंदर कुछ अपडेट वगैरह इन्होंने किए हैं, प्ले स्टोर के अंदर अपडेट किए हैं। अभी देखना है कि वो वाला अपडेट जो है ये गेम के अंदर किस टाइम उसको जो है पुश करते हैं। वैसे मे बी शायद इसका जो अर्ली एक्सेस वाला जो फॉर्म वगैरह ये भरवाएंगे, या गूगल फॉर्म भरवाएंगे, या कौन सा फॉर्म भरवाएंगे, तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही है कि ये इसका एक गूगल फॉर्म भरवाएंगे, जैसे गूगल फॉर्म होता है उसके अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी, गेम की आईडी वगैरह डालनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है ये आपको एक मेल जनरेट करेंगे, एक लिंक देंगे आपको, या तो इन गेम के अंदर देंगे, या आप उस लिंक के थ्रू जो है आपको जो ईमेल पे आएगा उससे आप जो अपने गेम को पबजी न्यू स्टेट को अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के बाद आप इस मैप को जो है अर्ली एक्सेस कर सकते हो, जिन जिन को वो लिंक आएगा उसके थ्रू वो उसको अपडेट करेंगे। अभी ये देखना पड़ेगा कि जो अपडेट वाला गेम है, मतलब मान लो अगर मुझे मिला और मुझे अगर किसी को देना है वो लिंक के थ्रू अपडेट करने को, वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो सिक्योरिटी लेवल होगा इस मैप के लिए वो किस लेवल का होने वाला है वो तो भाई अभी 1-2 दिन में जब आ जाएगा तो पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ये कैसे मिलेगा ये। तो इसके लिए आपको जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो बना के बता दूंगा किस तरह से भरना है। तो मे बी शायद आप 1 या 2 अकाउंट आपने बना लो न्यू स्टेट के अंदर, और 2 या 3 अकाउंट से ज़रूर इसको साइन अप करना, मतलब ये जो फॉर्म आएगा इसको भरना है, क्योंकि अगर आप 1 से करोगे तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको मिले, क्योंकि लिमिटेड लोगों को ये देने वाले हैं, या एस्कॉर्ट पार्टनर प्रोग्राम को देने वाले हैं। अभी इंडिया के अंदर एस्कॉर्ट पार्टनर प्रोग्राम का अभी कुछ सीन पता नहीं चल रहा है, जैसे इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। कमेंट ज़रूर कर देना कि आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो एस्कॉर्ट पार्टनर प्रोग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, 2-3 आपको अकाउंट बनाने गेम के अंदर लॉगिन कर लेना, ये वीडियो देखने के बाद ही बना लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आया उसके बाद आपने बनाया, अभी से बना लेना। और क्या बोलते हैं, डेली जो लॉगिन रिवॉर्ड है वो ज़रूर कलेक्ट कर लेना, उससे आपका अकाउंट जो है थोड़ा पुराना हो जाएगा, तो आपकी उम्मीद जो है
ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आप 2-3 अकाउंट बना लोगे, जैसे ही ये फॉर्म आएगा उसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा। आप खुद से भी कर सकते हो, अगर मेरा वीडियो नहीं आए तो आप उसके अंदर जो है फॉर्म के अंदर सारी डिटेल वगैरह फिल कर लेना, ईमेल वगैरह फिल कर लेना, 3-4 ईमेल से आप कर लेना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। अब इस मैप की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा मैप होने वाला है और न्यू स्टेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अब इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। 32-bit के लिए भी वीडियो आएगी बहुत जल्दी, जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। तो इस मैप की बात करूँ तो इस मैप के अंदर आपको शेनोंग भी मिलेगा, करेगन भी मिलेगा, मीरामार भी मिलेगा, कॉल ऑफ ड्यूटी का मैप भी इसके अंदर मिलेगा और कुछ रियलिस्टिक जो फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग की बात करूँ जैसे एपेक्स के अंदर है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल ये जो चलेगा बीटा एक्सेस में चलेगा, जिसमें आपको फीडबैक देना होगा न्यू स्टेट वालों को, उसके बाद वो इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। तो उम्मीद है कि जो 18 से 20 के बीच में जो नया जो सीज़न पास आने वाला है उसके अंदर ये मैप हमें देखने को मिले, क्योंकि तब से लेके अब तक 5-6 दिन मुझे लग रहा है कि ये इस मैप को जो है अर्ली एक्सेस के अंदर चलाएंगे। तो जैसी फ्यूचर में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके रिगार्डिंगली। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और जैसी आता है मैप उसके बाद मैं आपको तुरंत से एकदम बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, क्योंकि बहुत सारी मस्त इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाली है रिगार्डिंग न्यू स्टेट, रिगार्डिंग ऑल जितनी भी गेम्स वगैरह हैं फ्यूचर में आने वाली है उसके रिगार्डिंगली। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।